नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं WCS मतलब कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भारत स्किल के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को लेकर हाजिर हो गया, क्योंकि भारत स्किल से ही हमारे क्वेश्चन आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। आप अब से 2 साल पहले जितने भी ट्रेनीज CITS का एग्ज़ाम दिए हों या ITI का एग्ज़ाम दिए हों उनसे आप मालूम कर सकते हैं। वो आपको यही बताएंगे कि भारत स्किल से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। भारत स्किल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर है जो है लिखा है WCS, ये है semester 1 का, मतलब कि पहले सेमेस्टर सिस्टम चलता था। ये क्या चलता था? सेमेस्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या हो गया है, ईयरली हो गया, हमारा वार्षिक एग्जाम हो गए, तो इसलिए हम इस सेमेस्टर को ना मानते हुए सभी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि semester 1 और 2 से ही क्वेश्चन आते हैं। Module 1 है और सिस्टम ऑफ यूनिट फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है ये, तो हम आपको पूरे कंसेप्ट के साथ समझाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन आएगा, इससे दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ तक कि DET भी कहा है कि हम भारत स्किल जो आपका वेबसाइट है उसी से क्वेश्चन हम देंगे एग्जाम में, तो इसलिए ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और नोट तैयार कीजिए। हम जैसे जैसे आपको कहें नोट तैयार कराएंगे, वैसे वैसे हर एक पॉइंट को नोट तैयार करते हुए चलना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की प्रणाली की 2 प्रकार कौन सी है, आपको इसको बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला ब्रिटिश और मैट्रिक, दूसरा दिया है वो है कि आपका गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, सी है वो है मौलिक और व्युत्पन्न मतलब फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट, तीसरा है मैट्रिक एंड इंटरनेशनल। तो इसका जो आंसर है इसको हम बताने से पहले आइए हम इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट करते हैं, यहाँ पर समझिए, जो यहाँ पर कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, ये देखिए इसको हम 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, यूनिट को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। जो पहला भाग है इसको देखिए, जो पहला भाग है वो कहता है, पहला भाग में आ गया हमारा मूल मात्रक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, इसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट। देखिए, जो मूल मात्रक होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान की द्रव्यमान और समय, यही 3 मूल मात्रक है हमारे, यही 3 फंडामेंटल, और इन्हीं 3 से हमारी व्युत्पन्न मात्रक बनती है, इन्हीं 3 से व्युत्पन्न मात्रक हमारी बनती है, इन्हीं 3 से। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक किसी पर आश्रित नहीं रहता है, इसके 3 मूल मात्रक हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ड्राइव यूनिट क्या होता है, ये मूल मात्रकों से बने होते हैं। जैसे कि हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये लंबाई और गुणे लंबाई से मिलकर मिला है, मतलब कि लंबाई जो है वो 2 बार, मतलब इसका जो आंसर होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में। हम 24 क्षेत्रफल को करते हैं, ये किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। तो ये क्षेत्रफल जो है किससे बना है, 2 लंबाई से बना है, मतलब कि जो भी, तो ये क्या हमारा है, ये हमारा ड्राइव यूनिट है, ये क्या है हमारा जो क्षेत्रफल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्षेत्रफल जो है ये क्या है, ड्राइव यूनिट है, ये ड्राइव यूनिट है। तो यहाँ पर आप समझ गए, मूल मात्रक जो है ये 3 है, लंबाई, द्रव्यमान और समय,
और व्युत्पन्न मात्रा क्या है, इन्हीं तीनों से बने होते मिलकर बनते हैं, उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए मूल मात्रा को जो सिस्टम में अलग अलग सिस्टम में बांटा गया है, इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन हमारे बहुत हैं। तो हम अब समझेंगे सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट हो गया, दो भाग में वर्गित किया गया। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं। देखिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये दो भाग में, इसके भी दो होता है। एक है आपका मैट्रिक, मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, और दूसरा जो है वो है आपका ब्रिटिश, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन कहे, जब भी आपको क्वेश्चन कहे कि आप बताइए कि यूनिट को कितने वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो दो भागों में, वो कौन कौन से हो जाएगा, हमारे मूल और व्युत्पन्न, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। और जब क्वेश्चन कहे कि यूनिट के कितने पद्धतियों में बांटा गया, कितने सिस्टम में बांटा गया, तो इसके हो जाएंगे मैट्रिक और ब्रिटिश, मैट्रिक और ब्रिटिश। देखिए जो मैट्रिक है इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग कौन से हैं, तो ये है सीजीएस पट्टी और एक होता है एमकेएस पट्टी, एमकेएस पट्टी। और ब्रिटिश पट्टी में आपका आ जाता है एफपीआई पट्टी, एफपीएस पट्टी। सीजीएस पट्टी और एमकेएस पट्टी ये मैट्रिक सिस्टम के हैं, और ब्रिटिश के जो है एफपीएस सिस्टम है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझते हुए चलना। जब भी क्वेश्चन का है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट निकालने के लिए, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट हो जाएगा। और जब क्वेश्चन का है कि सिस्टम ऑफ यूनिट पत्ती कितनी है, तो पहला हो जाएगा आपका मैट्रिक पत्ती और दूसरा हो जाएगा ब्रिटिश। और इन दोनों में मैट्रिक में आपका सीजीएस आ जाएगा और एमकेएस आ जाएगा, और ब्रिटिश में आपका एफपीएस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक एक करके इन सब इनको देख लेते हैं, सीजीएस एमकेएस और एफपीएस पद्धति क्या क्या है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। हम आगे जब आपको क्वेश्चन कराएंगे, भारत स्किल से ही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भारत स्किल से ही क्वेश्चन आते हैं, आप हमारी बात को मानिए। अपने दोस्तों से जो पिछली बार कर चुके हैं, जो सीआईटीएस कर चुके हैं, एग्जाम दिए हैं 2020 में, उनसे आप एक बार राय ले लीजिए। वो कहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आता है वो पूरी भारत स्किल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप भारत स्किल के पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो समझिए कि आप 50 में 50 नंबर लेकर आइएगा। तो हम कहाँ थे, सीजीएस पद्धति पर थे, सीजीएस पद्धति पर थे, इसको समझ लेते हैं सीजीएस पद्धति क्या होता है। देखिए सीजीएस में जो है, इसमें लंबाई की मात्रक जो है, लंबाई का मात्रक वो हो जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता है कहेगा कि बताइए सीजीएस पद्धति में सी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सी का मतलब सेंटीमीटर का। क्वेश्चन देगा कि सीजीएस पद्धति में जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या, तो ये हो जाता है ग्राम। और समय का क्या होता है, सेकेंड। सबको हमारे साथ इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, सीजीएस जो पद्धति है ये किसका है, मैट्रिक सिस्टम का है, सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक द्रव्यमान, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको नोट डाउन करते जाइए, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। चलिए ये नोट डाउन कर लिया। अब हम देखते हैं एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति। देखिए एम के एस पद्धति भी सेम वैसे ही है, इसमें जो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक जो हो जाता है वो हो जाता है मीटर, मीटर हो जाता है। और द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम, किलोग्राम। और जो समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक, टाइम का मात्रक वो सेकेंड हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। लेंथ का मात्रक मीटर, द्रव्यमान मास का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक मात्रक सेकेंड, मतलब टाइम का मात्रक सेकेंड हो जाता है। एम का मतलब क्या है, मीटर।
के का मतलब क्या है? किलोग्राम, और एस का मतलब क्या है? सेकेंड, ऐसे याद करना है। एम के एस प्रति मेम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड। बस इसको क्लियर कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, बताइए कि एम के एस प्रति में के का मतलब क्या होता है? तो के का मतलब होता है किलोग्राम। के का उसमें पूछेगा एम के एस प्रति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ऐसे क्वेश्चन आता है। अब एक हमारा लास्ट हो जाता है, वो हो जाता है एफपीएल। ये आपका हमारा हो जाता है क्या? एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति इसको समझ लेते हैं। देखिए एफपीएस पद्धति में जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो जाता है आपका फुट, फुट हो जाता है फुट। यहाँ पर द्रव्यमान का जो मात्रक है, द्रव्यमान का जो मात्रक और मास का मात्रक हो जाता है, ये हो जाता है पाउंड। और जो समय का मात्रक है वो सेकेंड, सेकेंड हो जाता है। तो एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। और एफपीआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाता है, समय का मात्रक फुट हो जाता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, लंबाई का मात्रक फुट हो जाता है। तो इसको याद करके रखना है, इन सभी को याद करके नोट डाउन करते हुए चलना है। अब चलिए हम फिर से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? तो देखिए यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको क्लासिफिकेशन बताना है, सिस्टम नहीं बताना है। क्लासिफिकेशन आ गया है, देखिए पहले आपको क्लासिफिकेशन बोल दिया है। तो क्लासिफिकेशन में आपका क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन में आपका ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा। क्या? जो हमारे यूनिट होते हैं वो कितने होते हैं? मौलिक और व्युत्क्रम, मतलब कि फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या? जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है वो दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन है? मूलभूत इकाइयाँ का मतलब मूल इकाइयाँ कौन है? इकाई मतलब कि फंडामेंटल यूनिट आपको बताना है। तो हम आपको अभी बताया कि फंडामेंटल जो यूनिट है दो होती, तीन होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो लेंथ होता है, मास होता है और टाइम होता है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, मूल मात्रक है। इन्हीं मात्रकों के द्वारा हम ड्राइव यूनिट बनाते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों को बनाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। कह रहा है तीसरा नंबर, व्हाट डिनोट लेटर एम इन एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति में एम अक्षर क्या दर्शाता है? जो एम के एस पद्धति है उसमें एम अक्षर क्या दर्शाता है, इसको आपको बताना है। तो एम एम के एस पद्धति में हमने आपको क्या अभी बताया? एम के एस पद्धति में एम मीटर, के किलोग्राम और एस सेकेंड को दर्शाता है। तो एम मीटर को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एम मीटर को, के किलोग्राम को और एस सेकेंड को, ऐसे आता रहता है क्वेश्चन, तो उनको आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि चार नंबर क्वेश्चन कि हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन वन इंच, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, इसको बताना है। तो देखिए जो एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो इसको ध्यान पर रख लेना है। देखिए जब भी कहे कि आपको एक इंच इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इसका हो जाएगा 25.4 mm, 25.4 mm। और जब वही एक इंच में कितने सेंटीमीटर होता है ये पूछे, तो इसका हो जाएगा 2.454 cm, सी सेंटीमीटर हो जाएगा। इंच एमएम में पूछे तो 2.25.4 mm और सेंटीमीटर में पूछे तो 2.54 cm। तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ और रिलेशनशिप बिटवीन हम आपको दिखा दें, मैट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में कुछ और रिलेशनशिप पूछता है, तो उन सभी को आप नोट करते हुए चलिए हमारे साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इन रिलेशनशिप को हम आपको यहाँ पर लिखा रहे हैं, इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए जो वो कहता है, वो पहला है आपका क्या कि एक इंच में, इंच से कौन चढ़ाता है, एक इंच इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 2.45 cm। पूछता है कितना एमएम होते हैं एक इंच में, तो ये हो जाएगा टू
25.4 mm, ठीक। और आपका रिलेशनशिप बिटवीन पूछता है 1 फुट में, 1 फुट में जो है कितने मीटर होते हैं, तो 0.3048 मीटर जो है 1 फुट में होता है। कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। इसको नोट डाउन करते हुए चले और इसको याद भी कर लीजिएगा। इसमें पूछता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो 0.3937 इंच होता है, इंच इंच। उसके बाद 1 mm में कितने इंच होता है, 1 mm में आपका 0.03937 इंच होता है, इंच। और आपको पूछता है कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितने mm होते हैं, तो 1000 mm होता है। कितने इंच होता है 1 मीटर में, तो 39.37 इंच होता है, इंच होता है। कितने फीट होता है, तो 3.281 फीट होता है। ये सब आपको याद लिखते हुए चलना है। तो ये कुछ रिलेशनशिप था, और भी हम आपको दिखाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक दो है जो हर बार पूछता है, उन सभी को हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछता है कि, और जो पूछता है वो किलोमीटर में पूछता है, जैसे कि आपको पूछ देगा कि 1 किलोमीटर में, जो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, तो 0.622 मील होते हैं। वैसे ही फुट पूछ देगा कि कितने फुट होते हैं, तो 3,281 फीट होते हैं 1 किलोमीटर में। कितने माइक्रोन होते हैं, कितने मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10^9 माइक्रोन्स होते हैं, किसमें, 1 किलोमीटर में। माइक्रोन से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए क्वेश्चन देगा क्या कि 1 माइक्रोन में, 1 माइक्रोन माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10^-6 मीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1/100 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो 1/100 का मतलब क्या हुआ कि 1 है 1 0, उसके बाद पॉइंट, मतलब 0.001 mm क्या होता है, माइक्रोन होता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन कॉमन पूछते हैं हर एग्जाम में, इन सभी को नोट करते हुए चलना है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा, इसको बताना है। तो हमने आपको एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर जब हम कराए थे उसमें आपको सब बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पहले उसको देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें जो है कैसे निकाला जाता है, इसको हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 है, 18 है और 6 है और 36 है, इसको क्या करना है, निकालना है, इन सभी को निकालना है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसको समझिए। इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मेट लेते हैं। फॉर्मेट कैसे होगा, तो ऐसे फॉर्मेट लेते हैं, ऐसे फॉर्मेट लेते हैं। इस फॉर्मेट में इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो इसमें से दो संख्याओं को विभाजित कर ले करते या उससे अधिक करते। तो देखिए 2 लेंगे तो 6 बार में 12 को विभाजित करेगा, 9 बार में 18 को, 3 बार में 6 को और 18 बार में 36 को विभाजित करेगा। वैसे ही अब 2 लेंगे तो फिर से 3 बार में इसको विभाजित करेगा, 9 और 3, और यहाँ पर इसको 9 बार में विभाजित करेगा। देखिए 9, 2, 9 को विभाजित नहीं करेगा तो वैसे ही लिख देंगे, 3 भी नहीं विभाजित करेगा तो वैसे ही लिख देंगे। फिर से 2, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 3 का 9। फिर से 3 से कटाएंगे, देखिए 1, 1, 1 और 1। फिर से तो ये अब जो बचा है उसको गुणनखंड लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, अब इसको गुणा कर देंगे। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। जो इसका एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, 36 आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है 5 नंबर का सही हो जाएगा क्या, 12, 18, 36 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, इसको हम क्या करते हैं, मिटका देते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एच सी एफ ऑफ 1842 और 28। इसका एच सी एफ बताना है, किसका, 1842 और 24 का एच सी एफ ज्ञात करना है।
इसको कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 18 का, 42 का और 24 का। 18 को अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता है, 2 2 3 6 और 6 3 18 हो जाएगा। वैसे 42 को कैसे निकालेंगे, तो 42 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए अगर 42 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे छोटी संख्या जो इसको विभाजित करते हैं तो 2 है, 2 से 2 दुना 2 दुना 4 और 2 एकम 2, फिर से ये किससे 3 से, 3 7 21, तो 42 का क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 6 7 42। वैसे ही 24 का निकालेंगे, तो देखिए 24 को निकालेंगे 24 का, तो ये क्या हो जाएगा, 24 को यहाँ पर निकालते हैं ऊपर, 24 का निकालेंगे, तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 बार में गया, फिर 2 से 6 बार में, फिर से 2 से 3 बार में, तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब क्या करेंगे, देखेंगे तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है। जैसे कि ये जो 2 है ये सभी में मिल रहा है, फिर से 1 3 है जो सभी में मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में रहे, 3 जो है सिर्फ इसी में है, 7 सिर्फ इसी में है, 2 2 है तो इसी में है, तो जो जो मिल रहा है यहाँ पर एच सी एफ बराबर वही हो जाएगा। जैसे 2 मिल रहा है तो 2, 3 मिल रहा है तो 3, 2 गुणे 3, इसको गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 आ जाएगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का जो बी है, बी ऑप्शन नंबर बी 6 सही हो जाएगा, क्या 18 42 और 24 का 6 आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें से 10 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इसके बाद हम अगले की वीडियो में और सॉल्व करेंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द गिवन मिक्स फ्रैक्शन, पर एक दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न को कौन सी है। तो हम आपको जब फ्रैक्शन की क्लास कराए थे उस समय याद कीजिए कि हम आपको फ्रैक्शन के टाइप्स के, सिंपल फ्रैक्शन के टाइप्स को बताए थे, उसमें आपको इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताए होंगे। उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप अवश्य देख लीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, कह रहा है कि 52/7 क्या ये इम्प्रॉपर भिन्न है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे है क्या 52/7, दूसरा है वो 7/52, तीसरा है 28/7 और चौथा है क्या 7/20। देखिए हम देखते हैं क्या ये दोनों संख्या विभाजित है, नहीं विभाजित है, ये नहीं विभाजित करेगा, क्या ये दोनों संख्या विभाजित कर रहा है ऊपर नीचे, नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए ये 7 चौका 28, 4 बार में विभाजित कर दे रहा है, और ये जो देखिए क्या कर रहा है 7 से 7 चौका 28, तो ये 1/4 हो जा रहा है, और ये विभाजित नहीं कर रहा तो 7। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें बताना है कि कौन इम्प्रॉपर भिन्न होता है। इम्प्रॉपर भिन्न आपको क्या बताए थे, वैसा भिन्न जो क्या हो, वैसा भिन्न जिसका हर जो है, हर वो अंश से छोटा हो, अंश से छोटा हो, यहाँ पर लिखते रहे, वैसा भिन्न जिसका जो हर हो वो अंश से छोटा हो, अंश से छोटा हो। तो किसी भी भिन्न में दो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देखिए सब में हम देखते हैं, सब में हम एक एक करके देखते हैं। देखिए इसमें देखिए 52 जो है अंश है, अंश है ठीक, और 7 क्या है, हर है, इसमें से बड़ा कौन है, अंश बड़ा है। दूसरा में देखिए, दूसरा में जो है ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, इसमें बड़ा कौन है, हर बड़ा है। इसमें देखिए ये 4 आया था, तो ये तो ऐसे ही प्रॉपर भिन्न हो गया। इसमें देखिए इसमें अंश क्या है, अंश बड़ा छोटा है किससे, हर से छोटा है, तो बस एक ही मैच कर रहा है। वो क्या मैच कर रहा है, वो मैच कर रही है कि अंश जो है हर से बड़ा है, इसमें सब छोटा है, तो यही हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर भिन्न हो जाएगा, इम्प्रॉपर भिन्न। तो हमारा 52/7 इम्प्रॉपर भिन्न हो जाएगा। प्रॉपर भिन्न वैसी संख्या जो, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, और इम्प्रॉपर भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो, तो वही इम्प्रॉपर भिन्न हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, उसको जाइए एक बार देख लीजिए, उस वीडियो को आपकी पूरी समझ में आ जाएगी, फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया क्वेश्चन है, उसी क्लास में हम आपको बताए हैं।
कह रहा है कि कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन, कह रहा है कि 0.000659 को आपको दशमलव में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना है। जो डेसिमल ये क्या है, दशमलव है, इसको आपको भिन में बदलना है। भिन भिन मतलब क्या, फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें, फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदला जाता है, देखिए हम आपको क्या बताए थे, सिंपल एक आपको ऐसे बता ले लेना है, दशमलव है, दशमलव के बदले में एक ले लेना है, दशमलव के बाद जितनी संख्या उसको गिन लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो बस 6 जीरो बैठा देना है, 2 3 2 3 4 5 6, ऊपर जो संख्या है वैसे लिख देना है, जैसे 6 5 9। इसके आगे अगर जीरो लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके पीछे भी लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, तो ये 3 जीरो है हम नहीं लिखते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए तो कौन मैच कर रहा है, जिसके नीचे 6 जीरो होगा वही आंसर सही हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें देखिए 2 1 2 3 4 5 ही जीरो है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्या 8 नंबर का जो डी है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन देखने के बाद कल हम और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफाई 3/4 है, क्या है 3/4 है, प्लस 2/5 है और -5/20 है। इसको कह रहा है कि आप इसका सिंप्लीफाई कीजिए, इसका सरल कीजिए। ठीक है, हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए, आप यहाँ पर देखिए, देखिए क्या ये दोनों ऊपर नीचे कटने वाली भिन्न है, जैसे कि ये देखिए 3/4 है ये नहीं कटेगा, 2/5 है ये नहीं कटेगा, लेकिन 5/20 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4 प्लस 2/5 माइनस, ये कटेगा तो 4 बार में तो 1/4 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ऐसे भिन्न आ गया। अब देखिए हम क्या बताए थे आपको फ्रिक्शन वाले क्लास में कि इन सभी का एलसीएम निकालते हैं, सभी का एलसीएम 4, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 4 यहाँ पर हम एलसीएम निकाल कर आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है एलसीएम, 4, 5 और 4 का एलसीएम। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 5 कब नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 5 का नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए गुणनखंड क्या रहा है, गुणनखंड आ रहा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 और 4 5 20, तो इसका जो आएगा एलसीएम वो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा एलसीएम। चलिए 20 आ गया तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं और ये नीचे 20 लिख देते हैं। अब 4 में 20 से भाग दीजिए, 4 में जब 20 से भाग दीजिएगा तो 5 भर में कटेगा और 5 को ऊपर 3 में गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 5 में 20 से गुणा कीजिए 4 आया, 5 का 20 और जो 4 आया ऊपर गुणा कर देंगे तो 8 आ गया, माइनस है माइनस, फिर 4 5 20, 5 ऊपर 1 से गुणा कीजिएगा 5 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, किसी भी संख्या का कुछ नहीं रहता है तो प्लस ही रहता है, ठीक है इतना ध्यान रखिएगा। तो जो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 और -5/20, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 23 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 13 में से 5 गया तो कितना 8 बचा और 1 का 1 मतलब 20, तो इसको हम कटा सकते हैं। देखिए 2 से कटे 2 9 18 और 2 2 दहिया 20, तो 9 बटा 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें 9 बटा 10 कहाँ दिया, 9 नंबर में 9 बटा 10, देखिए ये ऑप्शन नंबर जो बी है, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करते हैं, किसी भी सरल करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। इसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड भाग दीजिए, भाग देना आपको क्या 20/31 अब भागे 15/62, इसमें भाग देना है। देखिए कह रहा है कि 20/31, अब भाग को गुणा में चेंज कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा मतलब 62, नीचे ऊपर चला जाएगा नीचे 15 आ जाएगा। अब इसको कटाइए, देखिए
पाँच कहता है, पाँच या 15 और 5 चौका 20, 31 से कहता है, 31 दूना 62 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा नीचे 3, 4 और 3, इसको पूर्णांक बदलिए, भाग दीजिए, 3 दूना 6 और 2 8, 3 दूना 6 और 2 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर है कोई मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी 2.9 2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे के 10 क्वेश्चन को लेकर, मतलब और इसके हम 10 क्वेश्चन करेंगे, पूरे टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब हम भारत स्किल के जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, सभी क्वेश्चन लाएंगे, आप बस इसको सॉल्व करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम